माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों आपको ढेर सारा लाड़ प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज आपको कुछ खास ज्ञान देने जा रहा हूँ और रोजमर्रा की चीज से संबंधित वह बातें हैं और जब आपको पता चलेगी तो बड़ा मजा आएगा इसे सुनने में। मैं आज बात करूंगा आलू की और खासतौर से एक पेरेंटिंग टिप भी दूंगा, बच्चों को किस प्रकार से आलू खिलाना चाहिए। बच्चों को आलू खिलाना बहुत ज़रूरी है लेकिन कैसे खिलाना चाहिए ये ज़रूर जान लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है वो पथरी के लोगों के लिए है। कहा जाता है कि पथरी के रोगों को ख़त्म करने में आलू बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से जिसको गुर्दे की पथरी हो ऐसे लोगों को आलू को उबालकर उसे मैश करके बस उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डालकर खाना चाहिए। इससे पथरी में फ़ायदा होता है। आलू का रस पीने वाले घर में पथरी नहीं होती बच्चों को, क्योंकि पथरी भी बहुत बार देखा गया है कि वो दादा लाई चली आती है, संपत्ति की तरह पथरी भी चली आती है और आलू का सेवन उसे ख़त्म करता है। यहाँ एक चीज़ बताना मैं आवश्यक समझता हूँ, वो ये है कि लोग कहते हैं कि आलू का सेवन नहीं करना चाहिए इससे फैट आता है। नहीं, जब हम आलू का सेवन बहुत तल कर करते हैं तो फैट आता है, अन्यथा आलू के सेवन से फैट नहीं आता है। और मैं आपको एक खास तरीका बताऊंगा, उस तरीके से यदि आप आलू खाएंगे तो फैट जाएगा और आलू की जो ताकत है वो हमें मिलेगी। उनको यदि सही तरीके से आलू दिया जाए तो उनको बहुत लाभ मिलता है। अब ये सही तरीका क्या है बता रहा हूँ ना, जिस घर में लोगों को हेरिडिटरी है गठिया का रोग, उन लोगों को आलू का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। खाने से आधा घंटे पहले आधा कप आलू का जूस पी लें, आलू का रस पी लें, ये उबालें, आलू को छील लें फिर उबालें और उसके बाद आधा आधा कप यदि उसका रस सब लोग पी के फिर भोजन खाते हैं तो वह भोजन यूरिक एसिड डेवलप नहीं होने देगा और दर्द में भी फायदा देगा और साथ ही साथ वजन घटाने में भी ये मदद करेगा। दूसरी बात, आलू आपके चेहरे से गंदगी को खींच लेता है, इसलिए आलू को बीच में काटिए, गोदिए और उसको चेहरे पे लगाना शुरू करिए, चेहरा आपका चमकदार होने लगेगा। ख़ास तौर से वो लोग जिनको मेकअप लेना पड़ता है या धूल में काम करना पड़ता है, धुएं में काम करना पड़ता है, वह कभी कभी उस उपाय को ज़रूर कर लिया करें। आप देखेंगे, स्वयं महसूस करेंगे, 2-3 दिन में आपका चेहरा चमकने लगेगा और बहुत सारी गंदगी उससे बाहर आने लगेगी। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो पथरी के लोगों के लिए है। कहा जाता है कि पथरी के रोगों को ख़त्म करने में आलू बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से जिसको गुर्दे की पथरी हो ऐसे लोगों को आलू को उबालकर उसे मैश करके बस उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डालकर खाना चाहिए। इससे पथरी में फ़ायदा होता है। आलू का रस पीने वाले घर में पथरी नहीं होती बच्चों को, क्योंकि पथरी भी बहुत बार देखा गया है कि वो दादा लाई चली आती है, संपत्ति की तरह पथरी भी चली आती है और आलू का सेवन उसे ख़त्म करता है। यहाँ एक चीज़ बताना मैं आवश्यक समझता हूँ, वो ये है कि लोग कहते हैं कि आलू का सेवन नहीं करना चाहिए इससे फैट आता है। नहीं, जब हम आलू का सेवन बहुत तल कर करते हैं तो फैट आता है, अन्यथा आलू के सेवन से फैट नहीं आता है। और मैं आपको एक ख़ास तरीका बताऊँगा, उस तरीके से यदि आप आलू खाएंगे तो फैट जाएगा और आलू की जो ताकत है वो हमें मिलेगी। खास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका शरीर कमजोर हो रहा है, 60+ के जो लोग हैं उनके लिए आलू एक बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन उसको वैसे खाना होगा जैसे मैं बताऊंगा। और बच्चों के लिए तो क्या अद्भुत है, ये औषधि का प्रयोग करें, औषधि की तरह इसका प्रयोग करिएगा बच्चों के लिए। देखिए, अब मैं आपको आलू की जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे सुन के आपकी बात खिल जाएंगी। आलू वज़न बढ़ाता है, ये डिपेंड करता है आलू हम कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। जो लोग आलू रात में खाएंगे उनका वज़न बढ़ेगा और दूसरी चीज़ें जो आलू पानी के साथ लेंगे उनका भी वज़न बढ़ेगा और जो लोग आलू तल कर खाएंगे उनका भी वज़न बढ़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताऊँ, आलू को उबालिए, काटिए छोटे छोटे पीसेस में और उस पर केवल काली मिर्च और हल्का सा नमक अथवा काला नमक बुरक कर खाना शुरू करिए। पता है क्या होगा, पेट तो भरेगा, वजन भी कम होगा
और स्वाद के लिए आप उस पर हल्का सा अचार का मसाला भी छिड़क सकते हैं, इससे वजन तेजी से घटेगा और स्वाद भी आपका बना रहेगा। आलू का एक और प्रयोग आपको बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि यदि शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, हो नहीं रहा है, रिश्ता आ रहा है छूट जा रहा है, आ रहा है छूट जा रहा है, या किसी भी तरीके से पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न होती चली जा रही है, पढ़ाई डिले होती चली जा रही है, या आपकी बुद्धि कमज़ोर हो रही है, तो एक कार्य करना शुरू कर दें, आलू गाय को खिलाना शुरू कर दें। दूसरी चीज़, यदि आपके घर में परेशानियां बढ़ रही हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है और घर के बुज़ुर्गों से या बुज़ुर्गों को दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ इसकी वजह से घर के किसी बुज़ुर्गों की वजह से आपको शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, तो आलू पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। ये काम बृहस्पति को करना है, और यदि गाय नहीं मिलती है तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं और किसी गरीब को भी दे सकते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग गरीब होना चाहिए। मंगल की समस्या, बुढ़ापे में शरीर में कमजोरी की समस्या, बच्चों की समस्या, दिमाग की समस्या, इन सब की समस्याओं को दूर करता है आलू, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा। आलू के कुछ ये वाले फायदे जरूर आपको सुनने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर चोट लग गई है और आसपास डॉक्टर नहीं है और उसमें रक्त नहीं बह रहा है लेकिन दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और आप मिनट दो मिनट बाद देखते हैं कि वहाँ नील पड़ रहा है अथवा सूजन होती चली जा रही है, आलू तो मिल ही जाएगा। आलू लेकर उसे बीच में से काट लीजिएगा और उस पर लगाना, उसे गोदना नहीं, बस चोट पर लगाना शुरू कर देना है। धीरे 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 चोट पर लगाते रहिए बहुत देर तक, आप देखिएगा आश्चर्यजनक रूप से सूजन कम हो जाएगी और नील नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है चेहरे पर चोट लग जाती है और वहाँ नील आ जाता है और ये नील बहुत लंबे समय तक बहुत स्कार की तरह से बड़ा बुरा दिखाई देता है चेहरे पर। ऐसे में जो चिकित्सीय सलाह लेनी हो तो आप ले ही लीजिएगा और साथ ही साथ वहाँ आलू लगाना शुरू कर दीजिएगा, नील नहीं पड़ेगा, या पड़ भी गया है तो बहुत जल्द घुल के कहीं चला जाएगा, यानी आपके चेहरे पर नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी चीज़, यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हों तो आलू का सेवन कीजिए, और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हों तो मीठे आलू, यानी अब दो तरीके से मीठे आलू बन सकते हैं अभी बता देता हूँ, तो मीठे आलू शुक्रवार को बांटना शुरू कर दीजिए। ख़ासतौर से ये मैं पुरुषों से और बुज़ुर्गों से कह रहा हूँ कि वह एक आलू सुबह और एक आलू शाम केवल उबाल के उसे अच्छे तरीके से धोकर, और उसमें यदि उन्हें शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रा सी चीनी डालकर अगर वो खाते हैं, या अगर वो प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा नमक डालकर अगर वो खाते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ शरीर की शक्ति बढ़ने के साथ साथ ये उपाय कर लेंगे तो और भी लाभ मिलेगा। और वो लाभ कैसे मिलेगा, आप आलू की खीर बना लीजिए या आलू को चाशनी में तल लीजिए और वह आलू बांट दीजिए शुक्रवार के दिन। जो खाएगा वह प्रशंसा तो करेगा ही करेगा, साथ साथ दुआएं भी देगा। पेरेंटिंग टिप मैं बताऊंगा, आलू बच्चों को क्यों खिलाएं और कैसे खिलाएं और कितना खिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन और अब गुरु मंत्र, आलू की सब्जी का दान करना आपको अनेक परेशानियों से, खासतौर से रक्त संबंधी व्याधियों से, हड्डी संबंधी व्याधियों से, और घरेलू परेशानियों से, घरेलू संकट से, पति पत्नी के बीच के तनाव के संबंध से बचा सकता है। एक काम और भी आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन पति पत्नी दोनों बरगद के पास जाएं, वहाँ पर दो चार बूंदे जल चढ़ाकर और लौटते समय आलू बांट दें, कच्चा ही बांट दें, देखिएगा कि बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। बस एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग सिंदूर लगा के आलू बांटते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि सिंदूर खाने से किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए सिंदूर लगा के नहीं करिएगा, लाल कपड़े में रख के आलू दे सकते हैं आप, उससे बहुत सारी घरेलू बाधाओं का आपको निराकरण स्वयं मिलना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बिना तला और बिना भुना आलू खाना चाहिए, बड़ा लाभ देता है। गठिया के लोगों को चार आलू रोज़ खाने चाहिए, बड़े लाभ देते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को बवासीर रहती है, पेट ख़राब रहता है,
ऐसे लोगों को भी आलू का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये सभी जो सेवन बता रहा हूँ ये तले हुए नहीं होंगे, सब्जी लजीज सब्जी में पड़े हुए आलूओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उबले हुए आलूओं में काली मिर्च और नमक डाल के खाने को कह रहा हूँ, या आलू का रस पीने को कह रहा हूँ। और अब पेरेंटिंग टिप, छोटे बच्चे यदि कमजोर हैं, पतले दुबले हैं, तो आलू के रस में उनको शहद डालकर पिलाने लगे। आलू का रस निकाली लगभग आधा कप, और छोटा बच्चा है तो एक चम्मच, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए, ये शहद शुद्ध होना चाहिए, वो शहद मिलाइए उसमें और उसके बाद बच्चे को सिप करा दीजिए। टेस्ट चूंकि रहेगा इसलिए बच्चा पिएगा और देख लीजिएगा 3 महीने में बच्चे की रंगत बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना प्रोटीन चिकन में खा के आप कहते हैं ना वो आप प्रोटीन मिला, एक आलू में भी उतना ही होता है। तो अपनी जबान के स्वाद के लिए किसी को मार देना ये अच्छी बात नहीं है, जबकि स्वास्थ्य की सभी चीजें प्रभु ने हमें दी है, प्रयोग करके देखिए। चलिए खूब खुश रहिए, मैं चलूं। राम राम, नमस्कार।